गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी विल डिस्कस अ चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. ये वाला चैप्टर आपका सिमिलर चैप्टर आपका क्लास टेंथ के अंदर भी है, चैप्टर नंबर फिफ्थ, और यही चैप्टर आपका क्लास इलेवंथ के अंदर भी है. ठीक है, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में सबसे पहली क्लासिफिकेशन या सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा किनका था? डोबेरनियर. ठीक है, डोबेरनियर ही वॉज एन ए जर्मन साइंटिस्ट. जब इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी, दैट टाइम ओनली 31 एलिमेंट वर नोन. उस समय 31 एलिमेंट डिस्कवर थे. उन्होंने बोला क्या, देखो डोबेरनियर ट्रायड्स, सबसे पहली बात हम डिस्कशन कर देते हैं ट्रायड्स. इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, ट्राई प्लस एड्स. ट्राई का मतलब क्या होगा, ट्राई का मतलब थ्री. ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एड्स के बारे में डिस्कशन करें तो ये एक कॉलम भी हो सकता है या फिर आप इसको ग्रुप भी बोल सकते हो. यानी कि डोबेरनियर ने क्या किया, डोबेरनियर ने थ्री एलिमेंट्स की उनको कॉलम में रख लिया या थ्री एलिमेंट को क्या कर दिया उन्होंने, ग्रुपिंग बनानी शुरू कर दी. तो देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम जो उन्होंने डिस्कस किया था. पहले एग्जाम्पल लेते हैं फिर उसके बारे में थोड़ा सा इजीली डिस्कस करें. देखो पहले ग्रुपिंग, सबसे पहले डिस्कस हुआ था लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम. क्लियर, ठीक है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को इन्होंने ग्रुप बनाकर रख दिया. ठीक है, अब एक चीज देखो क्या है, आज हमें पता है लिथियम का, आज हमें पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसका मास क्या होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 3 हो. ठीक है, उसके मास के लिए हम क्या करेंगे, ट्वाइस करके 1 ऐड, यानी कि उसका मास कितना आएगा, 7, तो हमने उसको 7 सामने रख दिया. सिमिलरली पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, ये भी ऑड है, 19 2 जा 38 प्लस 1 39. ठीक है, 39 मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिया. ठीक है, फर्स्ट और थर्ड का मीन निकाल दें हम, 7 प्लस में 39 डिवाइडेड बाय में 2, 46 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, इन दोनों को जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 23, यानी कि हमें इसका एटॉमिक मास 23 मिल गया. अब ये जो एग्जांपल हमने किया है इसको थोड़ा सा वर्डिंग में डालो. सबसे पहले डोबेरनियर ने किया क्या था, ठीक है, इनकी वर्डिंग क्या थी, ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. राइट, ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने जो अपना बेसिक थीम रखा था सारे के सारे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया था, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग नहीं. दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, जो डोबियर ने किया था, इन्होंने बोला था द एवरेज एटॉमिक मास, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, एवरेज एटॉमिक मास किसका, फर्स्ट एंड थर्ड, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड विच इज इक्वल टू इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू मिडल. एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड विच इज इक्वल टू मिडल, यानी कि मिडल वाले एलिमेंट के बराबर उसका एवरेज एटॉमिक मास होगा, जो कि हमने निकाला. दोबारा से फोकस करो, लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, इन दोनों का मीन निकाल दिया आपके सामने 46, इन दोनों को कट कर दिया 23. ठीक है, ये चीज़, यानी कि इसी तरीके से आगे 31st एलिमेंट तक उन्होंने कोशिश करा इसके ऊपर अप्लाई करने की. डोबेरनियर ट्रेड्स इज आल्सो
known as law of trades, यानी कि हम इस डोमेनियर को लॉ ऑफ ट्रेड्स भी बोलते हैं या ट्राइएड्स बोलते हैं. लिमिटेशन ऑफ डोमेनियर, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फ्यू एलिमेंट्स. सेकेंड वन, इट इज नॉट एप्लीकेबल on newly discovered element. ठीक है, देखो मैंने अभी तीन एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस किए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. सिमिलरली आप इसके लिए भी कर सकते हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, और सारे भी हैं इसी तरह, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इनका ग्रुप सिमिलरली इनका ग्रुप, और मैंने सिर्फ आपके सामने ये वाले डिस्कस किए. तो आप चाहो तो इनका भी निकाल सकते हो. होगा क्या, फर्स्ट एंड थर्ड का जो भी आप मेन निकालोगे वो मिडल के इक्वल आएगा. ये था आपका डोमेनियर ट्राइएड्स रूल, ओनली अप टू 31 एलिमेंट. नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे न्यूलैंड, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी कि इन्होंने क्या किया, 8 एलिमेंट को क्लासिफाई किया. सबसे पहले इनकी बेसिक थीम बोल दो या बेसिक एजम्पशंस क्या था. पहला, जैसे डोमेनियर ने क्या बोला था, ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. तो सेम पहला पॉइंट है, ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. यानी कि सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज है. सेकंड पॉइंट इनके लिए, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट इज resemblance with the physical and the chemical property of 8th element is resemblance with फर्स्ट एलिमेंट. यानी कि जो भी आपका 8th एलिमेंट होगा उसकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिसेंबल करेगी. ये इसकी डेफिनेशन थी. ठीक है, अब देखो और इसके अंदर पॉइंट, इन्होंने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला था ये यहाँ पे क्लियर हो गया. यानी 8th एलिमेंट की जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिसेंबल करेगी. दूसरी बात, इन्होंने जो अपना ये इस लॉ का मेन थीम उठाया था सारे गामा पा, यानी कि आप सबको पता है हमारे 7 सुर होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, यानी कि दोबारा जब सा से स्टार्ट होता है और एंड में दोबारा जो हमारा सा आता है वो 8th पोजीशन पे आता है, और वो सा यानी कि पहले वाला सा और लास्ट वाला सा दोनों सेम ही होते हैं. उस पॉइंट को माइंड में रखकर इन्होंने बोला कि 8th एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिसेंबल करेगी उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ. देखो हम इसको थोड़ा एग्जांपल लेके और डिफाइन कर देते हैं. उसमें लिथियम, अब यहाँ पे बच्चों के माइंड में ये आता है कि सर आप हाइड्रोजन से स्टार्ट क्यों नहीं करते, हाइड्रोजन एंड हीलियम दैट टाइम वर नॉट डिस्कवर, उस समय ये डिस्कवर्ड नहीं थे, इसलिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन, नियोन 18 ग्रुप डिस्कस ही नहीं था, 18 ग्रुप, फिर लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, राइट. इन्होंने भी जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था अप्रोक्सीमेट 31 एलिमेंट के ऊपर ही दिया था.
ठीक है। अब देखो क्या है, अगर आप इस पोजीशन को आप फर्स्ट लेके चलते हो, द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एंड एट्थ, राइट। और अगर आप इसको फर्स्ट लेके चलते हो तो एट्थ एलिमेंट ये होगा, अगर आप इसको फर्स्ट लेते हो तो एट्थ, यानी कि ये सेम ग्रुपिंग में आ रहे हैं। अगर आप फर्स्ट जिसको लोगे उसके जो नीचे आएगा वो एट्थ है, यानी कि फर्स्ट यानी एट्थ की जो भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो उसके फर्स्ट के साथ टोटली मैच आउट हो। क्लियर है? लिमिटेशन ऑफ न्यूलेट, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अप टू 20 एलिमेंट और से कैल्शियम। इट वॉज अज्यूम बाय न्यूलैंड ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर नो मोर वुड बी डिस्कवर लेटर। यानी कि ये माना गया था कि 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करेंगे नेचर में और कोई भी न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट, यानी कि इस लाइन का मतलब है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। और थर्ड, ही पुट कोबाल्ट एंड निकल इन सेम स्लॉट लाइक फ्लोरिन क्लोरिन एंड ब्रोमिन। यानी कि उसने कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट में रखा था जैसे फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन, यानी कि ये कहता है फ्लोरिन क्लोरिन और ब्रोमिन इनकी तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इसी तरह उसने इस चीज़ को अज्यूम करके देखा कि कोबाल्ट और निकल सेम स्लॉट में होने की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, बट इट वॉज इट्स लिमिटेशन, ये तीनों की तीनों उसकी लिमिटेशन थी। आफ्टर द न्यूलैंड एक नए साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस हुए जो मेंड्रीव था। एक्चुअल में पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक बोल दो या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा रोल इनका था, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने वाली थी जो उसे सबसे बड़ा रोल इनका था। जब इन्होंने उसके बारे में डिस्कवर किया तो उस समय लगभग 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, यानी कि नॉन थे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहला इनका बेसिक थीम क्या था, ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, या आप इसको दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट आर द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, या दूसरी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो सारी की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की किसकी फंक्शन होती है, एटॉमिक मास की, यानी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास दे रहे। जब उन्होंने इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया था, दैट टाइम 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से 63 एलिमेंट को रिएक्ट करवाया। हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाने के बाद द कंपाउंड विल फॉर्म दैट इज हाइड्राइड, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाने के बाद जो कंपाउंड आपका बना वो ऑक्साइड बना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम
सोडियम को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम की वैलेंसी वन हाइड्रोजन की वन क्रॉस मल्टीप्लाई NaH, यानी आपका बनेगा सोडियम हाइड्राइड। और अगर हम ऑक्सीजन के साथ सोडियम को रिएक्ट करवाते हैं तो इसकी वैलेंसी सोडियम की वन ऑक्सीजन की टू क्रॉस मल्टीप्लाई Na2, यानी कि सोडियम ऑक्साइड। इसी तरीके से इन्होंने 63 एलिमेंट्स को ठीक है रिएक्ट करवा के कार्ड बना दिए और उन कार्ड को इस तरीके से अरेंज कर दिया एक डिस्प्ले बोर्ड पे, और वो डिस्प्ले बोर्ड के अकॉर्डिंग यानी कि एक बात आ जाएगी, वो सारे के सारे एलिमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए। और वहाँ से ये आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी फंक्शन हो गए एटॉमिक मास के, या फिर ये बोल दो कि सेम ही ग्रुप के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट आ गए। लाइक जैसे लिथियम के नीचे सोडियम आ जाएगा, सोडियम के नीचे आपका पोटेशियम आ जाएगा, सिमिलर इस वे में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग वे अरेंज हो गए। अचीवमेंट्स एंड मेरिट, जब मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक टेबल बनाई, ठीक है, यानी कि उनको कोड क्या कहते हैं कार्ड के ऊपर लिख के उन्हें प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद उन्होंने कुछ अरेंजमेंट को पाया, यानी कि कुछ अरेंजमेंट लाइक इस तरह, जैसे कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये सेम स्लॉट में थे, यानी कि यहाँ से एक बात आ कि स्लॉट सेम स्लॉट होने की वजह से हमने बोल दिया कि जो वर्टिकल था यानी वर्टिकल कॉलम के अंदर उनको उन्होंने ग्रुप का नाम दिया, ठीक है। सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मिला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टली मिला उन्हें हॉरिजॉन्टल रॉ, उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, पीरियड, राइट। यानी कि यहां से एक बात क्या होगी, वर्टिकल कॉलम की वजह से आपका ग्रुप डिस्कवर हो गया था और हॉरिजॉन्टल रो की वजह से पीरियड डिस्कवर हो गया था। सेकंड पॉइंट इनका क्या था, सेकंड पॉइंट ये था, ही लेफ्ट सम स्पेस फॉर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट, यानी उन्होंने बोला कि इन फ्यूचर अगर कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होता है पूरी टेबल डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उन्होंने साइडों में जगह छोड़ दी थी। बट इसके दौरान जब ये टेबल बनी थी तो कुछ एलिमेंट, यानी कि एक बात होती है जब ये टेबल बनी थी तो कुछ गैप वैसे भी छूट गया था, और वो जो गैप छूट गया था उन्होंने उस के बाद जो एलिमेंट था उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया, इका। इका इज अ संस्कृत वर्ड, संस्कृत वर्ड किसके लिए हम यूज करेंगे, प्रीसीडिंग एलिमेंट, यानी कि प्रीसीडिंग पहले 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 के लिए यूज किया, जैसे कि उनका नाम था इका बोरोन, ठीक है, यानी कि बोरोन से पहले जो जगह खाली पड़ी थी, और उधर जो एलिमेंट डिस्कवर उनका था स्कैंडियम, इसी तरह इका एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम में जो आपका यूज हुआ था वो आपका यूज हुआ था गैलियम, ठीक है, इसी तरह इका सिलिकॉन के लिए आपका क्या आएगा, जर्मेनियम, यानी कि उन्होंने जो गैप साइड में छोड़ा और जो गैप बीच में बचा, कि बीच में जो गैप बचा था उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज कर दिया था इका, इसका मतलब प्रिसीडिंग एलिमेंट, प्रिसीडिंग जैसे इका, यानी बोरोन से पहले जो जगह बचा इका बोरोन, उसको बोल दिया स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम उसको बोल दिया गैलियम, इका सिलिकॉन उसको बोल दिया जर्मेनियम, ठीक है। और जो साइड में जगह बची थी जो इन्होंने छोड़ी थी वो कुछ फ्यूचर के एलिमेंट के लिए, जैसे कि फ्यूचर में स्टेबल गैसेस यानी कि 18 ग्रुप में रखा गया था वहाँ के लिए। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव, सबसे पहली लिमिटेशन थी इसकी पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज
नॉट फिक्स, यानी कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी क्योंकि हाइड्रोजन एल्कली मेटल आप हो सकते हो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यानी एल्कली मेटल ग्रुप नंबर फर्स्ट को बोला जाता है, और हैलोजन यानी कि ग्रुप नंबर 17, इन दोनों के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 मानी जाती है, ठीक है, और अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसकी वैलेंसी माइनस है, इसीलिए दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कंफ्यूजन कि इसको हम कहाँ रखें, ठीक है, तो इसीलिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स। सेकंड चीज़ इसके अंदर पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज नॉट फिक्स और प्लेस्ड। अब देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप, अगर आप एग्जांपल लो आइसोटोप यानी कि एटॉमिक मास डिफरेंट, ठीक है, ये मतलब मास डिफरेंट। अब एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनको कहाँ पे रखा जाए, ठीक है, ये दोनों इसकी लिमिटेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज लोथर्मियर ने क्या किया, इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था, ठीक है, और वो ग्राफ था उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप ले सकते हो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम, ये तीनों, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पाया कि जब फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक बीच में जब अरेंजमेंट आई तो वो एक पीरियोडिकली आई, पीरियोडिकली जैसे कि हम ले लें इस तरीके से, और यहाँ पर देखो जैसे कि क्या है, जो ये टॉप में था एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, ठीक है, फिर सोडियम, पोटेशियम, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, यानी कि एक तरीके से जो टॉप के ऊपर आ रहे थे वो सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, और अगर इसकी सेकंड पोजीशन पे फिर ये बेरिलियम, फिर इस तरीके से नेक्स्ट, यानी कि इस तरीके से हमें पता लग रहा था कि जो टॉप पे है वो सेम प्रॉपर्टी, फिर उससे नीचे वाले वो सेम प्रॉपर्टी, फिर नीचे वाले सेम प्रॉपर्टी, उन सब की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम थी, ये अकॉर्डिंग टू द लोथर्मियर था। ये अब ये कुछ रिसेम्बलेंस प्रॉपर्टी दे रहा था, ये वाला टॉपिक 11th क्लास में थोड़ा सा है, 10th में काउंटर नहीं होता टॉपिक,